हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज टॉपिक में आपके साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। अभी गर्मियों के समय में ऐसे कौन से पांच काम हैं जिनको आपको कर लेना चाहिए, जिन्हें निपटा लेना चाहिए अगर आप बारिश के समय में नए प्लांट्स लगाना चाहते हैं। सो पहला काम है जिसे आपको बारिश के पहले मई और जून के महीने में निपटा लेना चाहिए और वो है सॉइल अरेंज करके रखना, मिट्टी। प्लांट को लगाने के लिए हमें सॉइल का रिक्वायरमेंट होता है और सॉइल ड्राई होना चाहिए तभी प्लांट सही से चलता है। गीली मिट्टी में फंगस की समस्या हो सकती है, पेस्ट भी हो सकते हैं जिससे प्लांट लगाने के बाद में ख़राब हो सकता है। इसलिए हमेशा जब भी हम प्लांट लगाते हैं तो मिट्टी पूरे तरीके से ड्राई होनी चाहिए, स्टेरिलाइज होनी चाहिए, धूप उसमें लगी होनी चाहिए। इससे पूरी सूखी हुई मिट्टी हमारे प्लांट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और उसमें पोषक तत्व भी अच्छी मात्रा में होते हैं। सो आपको क्या करना है, सॉइल अगर आप परचेस करते हैं तो आप परचेस करके रख लीजिए, क्योंकि सेलर के पास में भी इतनी सारी सॉइल बारिश के समय में सूखी रख पाना मुश्किल है। ऐसे में अगर आप सॉइल परचेस करते हैं और आपके पास मिट्टी खरीदने के बाद में आती है तो गीली हो सकती है या उसमें नमी हो सकती है, दोनों ही कंडीशन में फिर आपको उसे सुखाना पड़ेगा या गीली मिट्टी यूज़ करने से प्लांट ख़राब हो सकता है। अगर आप पुरानी किसी मिट्टी को यूज़ करना चाहते हैं जो गमले से निकली है तो उसको आपको सुखा करके उसकी जो वापस से फर्टिलिटी है उसको बढ़ा करके उसको तरोताज़ा करके स्टोर कर लेना चाहिए। इससे सॉइल आपके पास में सही जो है क्वालिटी की रहेगी तो प्लांट भी आपका सही से चलेगा। अगर आप नई मिट्टी लेके आना चाहते हैं तो आप नई मिट्टी भी लाकर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि बारिश होने के बाद में ज़मीन गीली हो जाती है सो मिट्टी आपको पूरी गीली ही मिलेगी। तो तीनों कंडीशन में सॉइल आपको पहले से अरेंज करके रख लेना चाहिए, भले ही आप किसी भी मेथड से सॉइल अपने प्लांट्स के लिए यूज़ करने के लिए लाते हों। दूसरा काम करना है आपको, प्लांट की सॉइल के अंदर में कंपोस्ट भी ऐड करना होता है, यानी कि खाद। सो खाद भी अरेंज करके रखना है। मैं मेरे लिए खाद खुद से तैयार करता हूँ तो मैंने खाद तैयार करना स्टार्ट कर दिया है। लास्ट मेरा जो वीडियो था वो खाद को प्रिपेयर करने के ऊपर में ही था, क्योंकि अभी जुलाई में करीब एक महीने का समय बाकी है और ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट टाइम है खाद को तैयार करके रखने का, सॉइल को अरेंज करके रखने का। अगर मिट्टी गीली मिलेगी या खाद आपको समय पर अच्छी क्वालिटी की उस समय अवेलेबल नहीं हो पाती है तो फिर प्लांट आप लगाएंगे लेकिन रिजल्ट आपको सही से नहीं मिलेगा, और गीली खाद सुखाना भी बहुत मुश्किल काम हो जाता है, फिर वो सड़ने लग जाती है, उसमें कीड़े पड़ने लग जाते हैं, तो प्रोसेस करके फिर आपको यूज़ करने में काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि खाद और मिट्टी को मिलाने के लिए वो सही नमी के साथ में होना ज़रूरी है। मिट्टी सूखी होनी चाहिए, खाद में नमी बराबर होनी चाहिए। सो आपको क्या करना है, अगर आप खाद खुद से तैयार करते हैं तो आप तैयार करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए, और अगर आप परचेस करते हैं तो आप परचेस करके स्टोर करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपको प्लांट्स को लगाने में आसानी होगी। मैंने दूसरी तरीके की खाद भी अरेंज करना स्टार्ट कर दिया है, बकरी केड़ी की, ये भी बहुत अच्छा काम करती है। पॉटिंग मिक्स के अंदर में इसे डाल सकते हैं, तो मैंने इसे भी अरेंज करके रख लिया है। आप देखें वहाँ पे बोरी रखी हुई है, वो पूरा इसी बकरी की एड़ी से भरी हुई है। तो इस तरीके से आपको अपना अरेंजमेंट खाद का भी कर लेना है जिससे आप प्लांट्स को सही तरीके से लगा सकें। तीसरा काम करना है फ्रेंड्स, सैंड अरेंज करना। मिट्टी अगर चिकनी है तो उसमें सैंड ऐड करना पड़ता है और थोड़े से ईंट पत्थर के टुकड़े भी ऐड करने पड़ते हैं, तो ईंट पत्थर के टुकड़े तो आसानी से मिल जाएंगे आपको कभी भी, लेकिन सैंड गीली रहेगी तो फिर मिक्स करने में परेशानी आती है, इक्वल क्वांटिटी में बराबर मात्रा में मिक्स नहीं हो पाती है। सही से मिक्स होगा तभी प्लांट के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आपको क्या करना है, सैंड भी अरेंज करके रख लेना है, लेके आना है तो ले आइए, अगर खरीद के रखते हैं तो आप खरीद के रख लीजिए पहले से। इससे आप जो सैंड अरेंज करके रखेंगे वो ड्राई रहेगी और फंगस और दूसरी प्रॉब्लम आपके प्लांट की सॉइल में नहीं होगी। तो सैंड आपको कितना मिलाना है इस बात को भी ध्यान रखना है। अगर मिट्टी चिकनी है तो आप उसमें 30% के आसपास या 50% के आसपास मिला सकते हैं, डिपेंड करता है सॉइल कैसी है। इसके ऊपर में मैंने वीडियो पहले से शेयर किया है कि आप एक बार मिट्टी को पानी में डाल के देख लीजिए कितना चिकनापन है, उसके हिसाब से आप उसमें सैंड ऐड करिए। और इसके साथ में अगर मिट्टी आपकी डोमट वाली है या बलुई वाली है, थोड़ी सी पथरीली है, तो फिर उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों ही बातें हैं, आपके यहाँ पे सॉइल किस तरीके की है उसके हिसाब से आपको सैंड ऐड करना है। अगर रिक्वायरमेंट है तो लाके उसे रख लेना है। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण काम है कि आपको प्लांट के लिए सॉइल प्रिपेयर करने के लिए सैंड अरेंज करके पहले से रख लेना है। चौथा काम करना है फ्रेंड्स,
गमले अरेंज करके रखना भी ज़रूरी है। गमले में ड्रेनेज होल तैयार कर लीजिए। प्लास्टिक के पॉट यूज़ करते हैं तो प्लास्टिक के पॉट पे आपको सारे ड्रेनेज होल ओपन होने चाहिए। अगर आप सीमेंट के यूज़ करते हैं तो इनको ला के रख लीजिए, प्लास्टिक के ला के रख लीजिए। बेस्ट रहेगा आप मिट्टी के पॉट यूज़ करें, लेकिन जो अवेलेबल है या जो आप ले सकते हैं आपके जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही बैठता है उसको आप पहले से ला के रख लें, क्योंकि बारिश जब होने लग जाती है तो बाहर निकलना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है ड्यू टू क्लाइमेटिकल कंडीशन और लोकेलिटी के हिसाब से भी कई बार चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं तो हमारा बाहर निकल पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर आपको कोई प्लांट लगाना है या पहले से आपने प्लांट ला के रखा है और आप लगाना चाहते हैं या रिपोर्ट करना चाहते हैं किसी प्लांट को, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पहले से, बारिश के पहले आप पॉट भी ला के रख लें, उनको रेडी करके रख लें। इससे आपका जो रिपोर्टिंग का टाइम है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होगा और बहुत जल्दी बहुत आसानी से आप रिपोर्ट कर पाएंगे। इसलिए आपको प्लांट के लिए पॉट्स भी बड़े साइज़ के और छोटे साइज़ के, हर साइज़ के जो भी रिक्वायरमेंट हो अभी से आप आइडेंटिफाई करके ला के अरेंज करके रख सकते हैं। नंबर 5 है प्लांट का सिलेक्शन। आपको लिस्ट आउट कर लेना है कि आपको कौन कौन से प्लांट लगाने हैं। दो तरीके के प्लांट होते हैं, एक परमानेंट प्लांट होते हैं और दूसरे सीजनल होते हैं। मेरा सजेशन रहता है कि परमानेंट प्लांट पर जाएं, क्योंकि लंबे समय तक आपके पास में रहते हैं। दूसरा, प्लांट जैसे जैसे बड़ा होते जाता है तो सुंदर दिखते जाता है। सीजनल प्लांट में फ्लावरिंग प्लांट ज़्यादातर आते हैं और जब वो सूख जाते हैं तो थोड़ा सा सूनापन करके जाते हैं। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप सीजनल प्लांट पर ना जाके परमानेंट पर जाएँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्लावरिंग प्लांट लगाने चाहिए सीजनल, तो आप उनको भी लगा सकते हैं, चॉइस आपकी है। लेकिन आपको पहले से लिस्ट आउट कर लेना है कि कौन कौन से प्लांट लगाने हैं। इससे पॉट का सिलेक्शन, खाद, मिट्टी की मात्रा, ये सभी आपकी पहले से डिसाइड हो जाएगी कि मुझे इतनी मात्रा इन सबकी लगने वाली है। जगह भी आप निश्चित कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन से प्लांट लगाने हैं, तो उस हिसाब से आपका अरेंजमेंट भी पहले से डिसाइड हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो आपको बारिश के समय में ज़्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा और स्टार्टिंग में ही आपके प्लांट्स लाके और लग जाएंगे, यानी कि परचेज भी हो जाएगा, रिपोर्टिंग भी हो जाएगा। इससे आपको समय ज़्यादा मिल जाएगा। अगर आपको 15 जुलाई के आसपास से मॉनसून मिल जाता है तो करीब अक्टूबर लास्ट जो होता है वहाँ तक करीब 2.5 से 3 महीने 4 महीने के आसपास का नवंबर तक का समय मिल जाएगा। और नवंबर के आसपास से जब ठंड चालू हो जाती है तो डॉर्मेंसी आ जाती है, तो प्लांट को बढ़ने के लिए फिर समय चाहिए होता है। और अगर आप उसको समय देर से लगा कर देते हैं तो फिर वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, फिर वो डॉर्मेंसी के टाइम पर भी ख़राब होने लग जाते हैं। इसलिए प्लांट आपको लगाना है तो स्टार्टिंग से ही लगाना है, पहली दूसरी बारिश में ही आप प्लांट लगा दीजिए। ह्यूमिडिटी अच्छी हो जाएगी, 60% के ऊपर रहेगी तो प्लांट सही से चलेंगे। अगर आप लेट लगाते हैं तो समय कम मिलेगा, रूट्स का ग्रोथ कम होगा, फिर यही प्लांट आपको सर्दियों में ख़राब होते दिखेंगे। तो आपकी शिकायत रहेगी कि प्लांट तो अभी नया लगाया है लेकिन ख़राब होने लग गया। तो इसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल सा है, जितना समय देंगे उतना रूट बॉल आपका प्लांट का डेवलप होगा और उतना अच्छा आपको प्लांट मिलेगा। स्टार्टिंग में ही अभी गुलाब के प्लांट भी लगा देने हैं, पहली बारिश में, दूसरी बारिश में ला के लगा दीजिए जितने लगाने हैं। इससे प्लांट सही से चलेगा। अंग्रेजी गुलाब भी ला के लगा दीजिए तो आगे जाके ये सर्दियों में अच्छी फ्लावरिंग देंगे और पूरा सर्दियों तक, फरवरी तक, मार्च तक इनमें ग्रोथ रहेगी। तो आपको वापस से जब गर्मियों का मौसम आएगा तब आपको प्लांट में इतना प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। और पॉट का सिलेक्शन आप गुलाब के प्लांट के लिए खासकर मिट्टी का ही करिए। अगर मिट्टी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट सीमेंट के पॉट में लगाइए, लेकिन प्लास्टिक के पॉट चूज़ मत करिए। तो ये था प्लांट के सिलेक्शन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिसको आपको ध्यान रखना है कि आपको प्लांट लिस्ट आउट कर लेने हैं, कौन कौन से लगाने हैं, उनके लिए जगह और सारी चीज़ों को पहले से एडजस्टमेंट बिठा लेना है, पूरा सेटअप तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद में आप जब मौसम आएगा तो प्लांट ला के और सीधे आप रिपोर्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप प्लांट लेने जाते हैं तो प्लांट लेते समय कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको प्लांट का सिलेक्शन करते समय उसको इस तरीके से आपको उठा के देखना है। आपको प्लांट को पकड़ना है, उसके नीचे से थैले को नहीं पकड़ना। अगर यहीं से उठाते समय ही हिलता हुआ दिख रहा है तो ये प्लांट बिल्कुल भी नहीं आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसका रूट बॉल कमज़ोर है। दूसरा, लीव्स सारी ग्रीन होनी चाहिए, कोई कटी फटी नहीं होनी चाहिए, सूखी नहीं होनी चाहिए, येलो नहीं होनी चाहिए, टिप्स ब्राउन नहीं होनी चाहिए, स्टेम बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, पत्तियों के पीछे भी देखिए कोई कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, ग्रोथ देखनी है कि प्लांट पे ग्रोथ है कि नहीं है। ऐसा नहीं हो कि आप बीमार प्लांट लेके आ जाएं और फिर उसको लगाएं तो फिर प्रॉब्लम वो आके स्टार्ट कर दें। और इसके साथ में जो थैला है उसके ऊपर में भी थोड़ी सी नज़र मार लेनी है, इसके अंदर में कोई स्नेल वगैरह तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो इसके अंदर में
बैठे रहते हैं और हमारा ध्यान उनके ऊपर नहीं जाता है और उनको घर में लेके आ जाते हैं तो दूसरे पौधों में फैल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पूरा चेक करके अच्छे से प्लांट लेके आना है। एक साथ ढेर सारे लाने की कोशिश मत करिए, 5-6-7 आप लेके आइए, उनको लगाइए, फिर दूसरा ले आइए, दूसरी बारिश के लिए इंतजार करिए। या ह्यूमिडिटी अगर 60 के ऊपर हो गई है तो आप लगातार डेली नए नए प्लांट ला के रिपोर्ट कर सकते हैं। जितना लगाना उतना लगाइए, लेकिन सही से सिलेक्ट करके लेके आइए। इससे आपकी परेशानी आगे जाके नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इनकी केयर तभी स्टार्ट होती है जब इन्हें हम लगा देते हैं। और लगाने के बाद में अगर आपने ख़राब प्लांट लगा दिया है तो फिर आपकी परेशानी बढ़ जाती है और दूसरे प्लांट जिनको आप सही केयर कर सकते थे, जिनकी अच्छी देखभाल कर सकते थे, उनके ऊपर में ध्यान ना जाकर बीमार प्लांट की ही सेवा में पूरा समय निकल जाता है। इससे आपके दूसरे प्लांट भी ख़राब होने लग जाते हैं। जो स्वस्थ होते हैं वो इनके समय ज़्यादा देने के कारण, उनको समय कम मिलने के कारण वो सही से नहीं चल पाते हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है। सो टॉपिक को मैं यहीं पर इस इन्फॉर्मेशन के साथ में वाइंड अप कर रहा हूँ। ये टॉपिक या इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।